अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। जहर खुरानी का फिर शिकार हुआ एक और 45 वर्षीय अधेड़। सिद्धार्थनगर का 45 वर्षीय अधेड़ दिल्ली से कमाकर अपने घर लौट रहा था कि गोरखपुर गोंडा रेल मार्ग पर जहर खुरानियों का शिकार हो गया। नकदी समेत सामान को उड़ा ले गए GRPF के जवानों द्वारा वृद्ध को ट्रेन से उतारा गया, उपचार हेतु स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया और परिवार वालों को सूचना दी गई। मौके पर परिवार वाले पहुंचकर अचेत 45 वर्षीय को सिद्धार्थनगर लाया गया जहां इलाज चल रहा है। हालात गंभीर बनी हुई है। जहर खुरानी का शिकार 45 वर्षीय उसका थाना अंतर्गत महादेव खुर्द पोचोंडी मोहलानी परमात्मा प्रसाद पांडे का 45 वर्षीय पुत्र शिव श्याम पांडे के रूप में किया गया। फिलहाल जो भी हो जहाँ रेलवे प्रशासन द्वारा जहर खुरानों से सावधान रहने के लिए अपील की जाती है, वहीं अपनी गंतव्य को जाने वाले भोले भाले यात्री जहर खुरानी के शिकार हो जाते हैं या यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा के कार्य कुशलता पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या नाम आपका? अरुण पांडे। पिताजी का नाम? श्री सुशार पांडे। कौन सा गाँव? मालेगा। थाना कौन सा? उसका वजह। ये जो जहर खुरानी शिकार हुए ये कौन है आपके? ये मेरे पिताजी हैं। क्या नाम है इनका? ये शिवजाय पांडे, दिल्ली से आ रहे थे और गोरखपुर स्टेशन पर उतरे। उतरने के कुछ देर बाद ये गोरखपुर से उसका का टिकट लिए और टिकट लेने के पश्चात अब उसके बाद बताया नहीं जा सकता क्या हुआ है। कहाँ मिले आप? ये ट्रेन से नौतनवा पहुँच गए और नौतनवा में एक RPF के जवान उनको देखे और ये एकदम अभिवृद्धि अवस्था में थे और उठा के ले गए और वहीं प्राथमिक उपचार के लिए जो अस्पताल है वहाँ का वहाँ एडमिट करवा दिया। आपको सूचना कैसे मिली? पिताजी की मेरे पास जेब में एक डायरी थी और डायरी में मेरा नंबर था। वहाँ से मुझे फ़ोन आया और मैं वहाँ पे जाके यहाँ से गया और अपने पिताजी को फिर वहाँ से रेफर करवा के यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला सिद्धार्थनगर में ले आया। डॉक्टरों का क्या कहना है? कहना है कि पहले से नॉर्मल है और घबराने की कोई बात नहीं है। कंडीशन जहर खुराक इनके पास से कितने पैसे उड़ा ले गए? इसके बारे में तो फिर भी 40-50 के समथिंग, क्योंकि वहाँ से आ रहे थे। अब होश आने के बाद ही पता चलेगा। क्या लगता है कि नकदी के साथ सामान भी कुछ ले गए? जी सर, क्योंकि सामान हमको बहुत कम ही मतलब ना के बराबर मिला है और मुझे सामान नहीं, बस मेरे पिताजी से बस और मुझे और कुछ नहीं चाहिए।